खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हाटपिपलिया में नगर परिषद कार्यालय के सामने जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल की उपस्थिति में शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैयालाल सोनी व पूर्व पार्षद हारून मंसूरी सहित कई नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आज दिनांक तक हितग्राहियों के खातों में नहीं डालने से परेशान होकर भूख हड़ताल की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि नगर परिषद सीएमओ ने 12 मार्च को हितग्राहियों के खातों में राशि डालने की बात कही है, जिस पर मैं और मेरे साथी भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। यदि 12 मार्च को राशि खातों में नहीं डाली गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 9 मार्च को सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवान सिंह उदावत सहित अन्य नेताओं ने भी पत्रकार वार्ता आयोजित कर 12 मार्च को 92 हितग्राहियों के खातों में राशि डालने की बात कही गई थी। अब आगे देखना कि 12 मार्च को राशि हितग्राहियों के खाते में डलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाम छूट गया था, नाम बनाने का काम भी चल रहा है। हाटपिपलिया के करीब करीब 1000 मकान बनने की योजना नगर पंचायत ने शासन की है, उसमें लगभग 200 या 300 बनी है। हम कहना चाहते हैं कि 92 लोग जो परेशान है पहले उनके पैसे डालें और जो बाकी बचे उनके पैसे डालें और नए नए जो नाम जुड़े उनके नाम जोड़ें और गरीबों के खाते में जल्दी जल्दी पैसा डालें, तो जो झूठी घोषणा ना करें, क्योंकि हमने पूरी सरकार को यहाँ से हिलाया है हड़ताल करके, बार बार ज्ञापन देके। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से, जुड़ा सरकार को, कि आप 12 तारीख को पैसे डालने का जो आपने कल पत्रकार वार्ता की है, और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे शिवराज जी को कि आपने हमारी बात को सुना, गरीबों की बात को सुना और कांग्रेस की बात को सुना। हम एक बात और भी कहना चाहते हैं, हमने बार बार आंदोलन पहले भी किए हैं, आपकी कचरा वाहन गाड़ी भी हमने आंदोलन के माध्यम से चलाई है। हाटपिपलिया में नर्मदा योजना की हमने आंदोलन किया था, जो हाटपिपलिया संपूर्ण बनता, आपके जो अभी गैस का भाव हो, पेट्रोल का भाव हो, हमने उसके लिए भी आंदोलन किए, तो गैस और टंकी का भाव भी कम करें, पेट्रोल का भाव भी कम करें, यही आपके चैलेंज में कहना चाहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। हमारे आज हम लोग सभी इसलिए कांग्रेस के जितने भी टीम के लोग हैं सब इकट्ठे हुए भूख हड़ताल पर, और हम शासन से मांग करें कि अगर 3 दिवसीय इनके अगर रुपये नहीं डाला गया, इनने जो घोषणा की है, क्योंकि यहाँ से जो भी हम आवाज़ उठाते हैं वो दिल्ली तक और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ हाटपिपलिया में जो नगर के नागरिक जितने जागरूक है और यहाँ कांग्रेस के नेता और जितने हितग्राही परेशान हैं उनकी जागरूकता को देखते हुए आज हमने ये आवाज़ प्रदेश और केंद्र सरकार तक उठाई है। इनका पैसा उन्होंने 12 तारीख तक बोला है, अगर 12 तारीख तक पैसा नहीं डलेगा तो इसके बाद में हम दूसरी कांग्रेस के लोग मीटिंग करेंगे और योजना बनाएंगे आगे का आंदोलन करना, हमको जैसा भी होगा उसके बाद हम नगर बंद करेंगे, नगर के नागरिकों का सहयोग लेंगे। आज हमारे सभी साथी लोग, इतने ही लोग यहाँ आए हैं, सब अपनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सीएमओ साहब ने और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पैसा कब चलेगा, आप लोगों की बात पर विचार करते हैं, तो हमारा आंदोलन और भी आगे जारी रहेगा। मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजावत हट गया। ठीक सर, 12 तारीख को जो 92 के अलावा जो बाकी जो हितग्राही हैं उनकी क्या पोजीशन है? उनके भी जल्दी डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आश्वासन मिला है कि एक एक करके डाल देंगे, जिससे भी संबल की राशि भी लगातार डल दी जा रही है, इस तरीके से मिल रही है। तो जो जो भी शासन के कार्यक्रम जैसे जैसे राशि आती है हम तुरंत उसको बिना देर करेंगे, यहाँ से हमारे तरफ से प्रधानमंत्री आवास की सरकार में किसी तरीके से लापरवाही है या देरी नहीं। हाटपिपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।